चतरा पुलिस ने 14 लाख रुपए की ठगी करने वाले साइबर गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ठगी में इस्तेमाल लैपटॉप, मोबाइल और सिम समेत कई सामान जब्त किए गए। प्रशिक्षु आईपीएस शुभम खंडेलवाल ने बताया कि इन साइबर ठगों की गिरफ्तारी चतरा, हजारीबाग समेत झारखंड के अलग अलग जनपदों से हुई है। उन्होंने बताया कि गिरोह में शामिल अन्य ठगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। सर, साइबर अपराधियों के विरुद्ध सफलता मिली है, क्या मामला है? जी, पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को 3/1/2024 को हमारे प्रतिबिंब ऐप के जरिए एक सूचना मिली थी कि किसी के खिलाफ ठगी हुई थी। कुल 14 लाख का मामला था, तो तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बनाई और छापामारी की गई और उप छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी के आरोप में शिकायतकर्ता के द्वारा जो बताया गया था उस मोबाइल नंबर के आधार पर ठगी करने वाले गिरोह का पहचान करते हुए हमने कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा उनमें से दो उन 5 के अलावा 2 नाबालिग हैं जिनको निरुद्ध किया गया है। इन सभी ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया है। तत्पश्चात छापामारी दल के सदस्य SI सुनील कुमार सिंह जी के द्वारा समर्थन